दिग्गज नेताओं को आज रायबरेली में संगम, सीएम योगी करेंगे जनसभा, जिगना में अखिलेश यादव, प्रतापगढ़ी सदर में इमरान, एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बनवा हुई जनसभा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज प्रयागराज में जनसभा, प्रयागराज में 27 फरवरी को होना है मतदान, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, अखिलेश ने कहा कि काका यानी काला कानून वापस चला गया है, उत्तर प्रदेश से बाबा भी जाने वाले, ओएसजी के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया नया वीडियो, बोले मैं टोपी भी पहनूंगा और दाढ़ी भी रखूंगा और मेरी बेटी भी हिजाब पहनेगी, बीजेपी ज्वाइन करेंगे पूर्व कांग्रेस नेता जयराम राज सिंह, अंदरूनी गुटबाजी के चलते छोड़ी थी पार्टी, सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि तीसरे चरण के कुछ जिलों में बीजेपी कोई सीट नहीं जीत पा रही, करहल से इनको कोई उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आखिरी समय में बलि का बकरा बनाने एसपी सिंह बघेल को भेजा गया, कोरोना संकट के बाद गुजरात में आज से खुलेंगे सभी स्कूल, भूपेंद्र भाई पटेल सरकार ने लिया फैसला, उद्धव ठाकरे से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, बीजेपी के खिलाफ नया मोर्चा तैयार करने की अटकलें तेज, जल्द हल होगा असम अरुणाचल सीमा विवाद, दोनों सरकारें कर रही हैं काम, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा का बयान,